लास्ट तो अपन बात कर रहे थे जनरल कैरेक्टर्स ऑफ वायरस के बारे में, कुछ मैंने आपको पढ़ा दिए थे, कुछ अब अपन अभी डिस्कस करेंगे। देखिए वायरस के शेप अलग अलग होते हैं, ठीक है। इसका शेप स्फेरिकल भी हो सकता है, क्यूबिकल भी हो सकता है, इलांगेटेड ब्रॉड शेप भी हो सकता है, हेलिकल भी होता है और टेट्रालाइक भी होता है। यानी कहने का मीन्स ये है कि वायरस का शेप वेरी करता है, ठीक है। वायरस के अंदर उसका अपना मेटाबॉलिज्म नहीं होता, ठीक है। वो होस्ट सेल के मेटाबॉलिज्म को यूज करता है। कहने का मीन्स ये है, देखो यहाँ पे होस्ट कौन है, यहाँ पर होस्ट कौन है। जैसे कि प्लांट के अंदर कोई भी वायरस प्लांट बॉडी में एंटर करता है, ठीक है। तो जो वायरस है वो उस प्लांट से न्यूट्रिशन लेकर डिवीजन करेगा, ठीक है। वो न्यूट्रिशन किससे ले रहा है, प्लांट से ले रहा है, ठीक है। तो वो न्यूट्रिशन जिससे ले रहा है अपने मल्टीप्लिकेशन के लिए, उसको हम बोलते हैं होस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे होस्ट कौन है, प्लांट है, ठीक है। अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई वायरस एंटर करता है तो वो अपनी संख्या को इंक्रीज कर रहा है, किससे न्यूट्रिशन लेके, हमारी बॉडी से न्यूट्रिशन लेके। तो हम यहाँ पे कौन है, होस्ट है, ठीक है। तो कोई भी वायरस जो है उसमें अपना इंडिपेंडेंट मेटाबॉलिज्म नहीं होता। ये वायरस जो है होस्ट सेल का मेटाबॉलिज्म यूज़ करते हैं, ठीक है। और वायरस, मैंने कल बताया था आपको कि वायरस सेल के बाहर इनएक्टिव होते हैं, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने में कैपेबल नहीं होते। जब तक ये सेल के बाहर हैं ये इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, लेकिन जैसे ही ये लिविंग सेल के अंदर एंटर करेंगे दे आर एक्टिव, ठीक है। अपना सेकंड है कि वायरस जो है इसको अपन सस्पेंशन से इसका प्रेसिपिटेट बना सकते हैं और इसको अपन क्रिस्टल के फॉर्म में क्रिस्टलाइज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वायरस, क्योंकि नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस पार्टिकल्स होते हैं तो इनके अंदर साइटोप्लाज्म या फिर सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। वायरस इंट्रा सेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं और इनको आर्टिफिशियल मीडियम में इनका कल्चर नहीं किया जा सकता। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो लिविंग सेल के अंदर जिनका कल्चर अपन कर सकते हैं, ठीक है। वायरस जो है होस्ट स्पेसिफिक होता है, यानी कि अगर अपन अपनी बात करें, ठीक है, अगर जैसे कि अपने को जो भी डिजीजेज होती हैं वायरस वाली, वायरल डिजीज होती हैं, वो सिर्फ अपन को ही होती हैं। उनके सिम्टम्स स्पेसिफिक होंगे, ठीक है, उनके सिम्टम्स स्पेसिफिक होंगे। जैसे कि प्लांट वायरस जो है सिर्फ प्लांट को ही इन्फेक्ट करेगा, किसी और को इन्फेक्ट नहीं करेगा। इसलिए बोला है कि वायरस क्या होता है, होस्ट स्पेसिफिक होता है, सिर्फ अपने होस्ट को ही इन्फेक्ट करता है। एनिमल वायरस सिर्फ एनिमल्स को ही इन्फेक्ट करेंगे, प्लांट वायरस सिर्फ प्लांट्स को ही इन्फेक्ट करेंगे, ठीक है। इसलिए इट इज होस्ट स्पेसिफिक। वायरस के ऊपर एंटीबायोटिक्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। वायरस के अंदर ग्रोथ और डिवीजन की एबिलिटी नहीं होती। अगर ये किसी लिविंग सेल के अंदर एंटर करता है तो सिर्फ इसका डीएनए या फिर आरएनए ही डिवीजन करेगा, ठीक है। बाकी ये जो इसका प्रोटीन कोट है, एनवलप है, इसमें डिवीजन नहीं होगा। इसमें जो भी जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है सिर्फ उसी में डिवीजन होगा, ठीक है। वायरस सेंसिटिव होता है हीट के, यूवी रेस के, ड्रोप के, ह्यूमिडिटी के। यानी कि अगर अपन को किसी चीज़ को वायरस से बचाना है तो उसको स्टरलाइजेशन के लिए अपन उसे हीट कर सकते हैं, ठीक है, यूवी रेस में रख सकते हैं, जिसके कारण वो जो चीज़ है जिसे हम बचा रहे हैं वो वायरस से फ्री हो जाएगा। ये सारी इम्पॉर्टेंट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वायरस के।
ठीक है, इनको आपको याद रखना है। मैं ये नहीं कह रही कि जितने मैंने आपको पढ़ाए हैं उतने आप याद रखिए, कुछ इम्पॉर्टेंट इनमें से सिलेक्ट कर लेना, वो आप कम से कम 10 सिलेक्ट कर लो, ठीक है, वो आप है ना अब याद रखो। जैसे कभी अगर आप फंस जाते हो एग्ज़ाम में, आपको याद ही नहीं आ रहा, तो आप ये कैरेक्टरिस्टिक्स अपने आंसर में ऐड कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कुछ लिखोगे तो मार्क्स आपको ज़रूर मिलेंगे। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि जितना हो सके, अगर हमें आंसर नहीं बन रहा है तो हम क्वेश्चन से रिलेटेड जो हमें आता है वो हम लिखें, ठीक है। इतनी चीज़ें हैं, तो ये अपना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस फिनिश हो गया, ठीक है क्लास। अब कल अपन पढ़ेंगे लिविंग कैरेक्टर्स ऑफ वायरस, नॉन लिविंग कैरेक्टर्स ऑफ वायरस, और वायरस में आपको ये जनरल स्ट्रक्चर तैयार करना है। अगर क्वेश्चन आता है वायरस के ऊपर ऐसे आता है तो आप ये डायग्राम तैयार कर सकते हैं, ये डायग्राम आप वहाँ पर बना के आएंगे, ठीक है। और कुछ दिक्कत हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।